नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। सुषमा स्वराज बोलती थी तो ऐसा लगता था कि घर का ही कोई बड़ा बोल रहा। भरोसे और राजनीति में इत्मीनान का नाम आज नहीं रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हुई स्टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे? लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आप? लेकिन इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है उनका आखिरी ट्वीट। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस ट्वीट का आना और उनका जाना बस एक संयोग है, पर इस ट्वीट का प्रतीक्षा शब्द दुख को और बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी सरकार ने एक फैसला लिया, सुषमा स्वराज के होते हुए वो काम पूरा हुआ और अब सुषमा जी नहीं है। 6 अगस्त 2019 को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दिल्ली में निधन हो गया। वो काफी वक्त से बीमार चल रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया, इसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति पर डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर रखे हुए थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। यहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज 67 वर्ष की थी। सुषमा स्वराज मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री थी। 2019 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था।